हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हो गया आपकी सेवा में लेकर जड़ से मकान 65 गज 65 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस इंडिविजुअल जड़ से मकान। दोस्तों, जमीन से छत तक आपका ये अपना खुद का रहने वाला है। दोस्तों, जैसा आपका सपना है ना दोस्तों, आज साकार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 65 गज में बना हुआ आपका लग्जूरियस मकान दोस्तों आपको दिखाने वाला हूं। बेहद खूबसूरत दोस्तों, रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल, जिसमें आपको शॉप भी मिल जाती है, कार पार्किंग भी मिल जाती है, और आपका जो है ये हाउस ऊपर की साइड में आपको 2 BHK देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड में आपको 1 BHK प्लस आपकी पार्किंग प्लस आपकी शॉप देखने को दोस्तों मिल जाएगी। 65 गज में बना हुआ 2 मंजिल का इंडिपेंडेंट हाउस, बेहद खूबसूरत लग्जरियस दोस्तों आपको दिखाने वाला हूं। मोहन गार्डन की लोकेशन में, हमेशा की तरह उत्तम नगर के अंदर, दिल्ली में उत्तम नगर मोहन गार्डन की लोकेशन में आपको इंडिपेंडेंट हाउस मेट्रो से, द्वारका और मेट्रो स्टेशन से 1.5 किलोमीटर है। जी हां, एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दोस्तों आपको ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 20 फीट की वाइड रोड मिल जाती है दोस्तों। हॉस्पिटल, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, वो सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है। ऑटोस वगैरह घर के बाहर ही आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको 10 मिनट में द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन पहुंचा देंगे। एक विला आपका 65 गज का दोस्तों बना हुआ मिलेगा। यहां पर आपको जो है दिल्ली रोड का वाटर का कनेक्शन मिल जाएगा दोस्तों, सीवरेज कनेक्शन मिल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी BSES राजधानी से कनेक्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों, IGL का गैस पाइपलाइन का कनेक्शन भी दोस्तों आपको यहां पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। बेहद खूबसूरत बना हुआ ये लग्जरी मकान रहने वाला है दोस्तों, मात्र 10 से 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए जैसा भी आपका बजट है दोस्तों, डाउन पेमेंट देकर बाकी का अमाउंट फाइनेंस करवा सकते हैं। फाइनेंस करवाना हमारा काम है दोस्तों, हम आपको अपनी तरफ से पूरा फाइनेंस अमाउंट करवा कर देंगे दोस्तों, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर सारी फैसिलिटीज आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, जैसा बजट है वैसा इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहते हैं, अगर कम है तो कम बजट में भी इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाएगा, ज्यादा बजट है तो ज्यादा बजट में भी अच्छा सुंदर इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा बजट है वैसा इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों आप ले सकते हैं। सारी फैसिलिटी मैंने आपको बताया दोस्तों यहां पर देखने को मिल जाएगी, कोई कमी आपको यहां पर रिहाइश करने में नहीं होने लगी। बेहद खूबसूरत वेल डिजाइनेड बना हुआ ये इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों आपको दिल्ली के लोकेशन में दोस्तों आज मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएगी। कोई भी क्वारी तो सामने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लिए और अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी कर लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं फ्रंट एलिवेशन पर और आपको इसका फ्रंट का एलिवेशन दिखाते हैं और पूरा हाउस का टूर करते हैं। उससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के लिए लाइक करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट में दोस्तों हमेशा आपके लिए लाता नहीं, हमेशा लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको ये इंडिपेंडेंट हाउस। सो दोस्तों, अभी आ चुके हैं अपने हाउस के फ्रंट पर, ये हमारा हाउस का फ्रंट रहने वाला है। सबसे पहले आपको एलिवेशन यहाँ पर दिखाता हूँ। एलिवेशन देखिए, बेहद खूबसूरत टाइल वर्क के साथ आपको जो है 3 कलर का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। इसके एलिवेशन बेहद खूबसूरत रहने वाली है। साइड में आपके जहाँ पर बालकनी रहती है उसमें SS के ग्रिल के साथ आपको साइड में डिजाइनर वॉल मिल जाती है, जिसका डिजाइन आप देख रहे हैं कि सामने बेहद खूबसूरत रहने वाला है। इस साइड में आपका वैसे वॉशरूम बनाया है हमने, जिसकी वेंटिलेशन सामने विंडो के थ्रू पास हो जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसके फ्रंट के एलिवेशन के, नीचे की साइड में दोस्तों जिसमें डिजाइनर डोर आपको काफी मिल जाता है, बड़े साइज का डबल शटर का डोर आपको मिलता है, डिजाइनर काफी मजबूत भी रहने वाला है। MS का डोर आपको यहां पर मिल जाता है कार पार्किंग के लिए, डबल शटर रहने वाले, सिंगल शटर आपको यहां से देख रहे हैं कि सिंगल शटर यहां से मिल जाता है आपकी सिंगल एंट्री के लिए। और उसके बाद रैम की बात करते हैं तो दोस्तों मार्बल वर्क के साथ आपको रैम का वर्क मिल जाता है, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है इजिली आपकी पार्किंग के अंदर पार्क हो जाए। और सेंटर में आपको जो स्टेयर का वर्क मिल जाता है, जिससे कि आप सिंगल एंट्री कर पाएं। अब बात आ जाती है यहाँ पर शॉप की, तो शॉप की बात करते हैं तो दोस्तों कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल मैंने आपको बताया कि आपकी प्रॉपर्टी रहने वाली है, तो यहाँ पर आपको एक शॉप भी मिल जाती है, आप चाहे तो इसको कमर्शियल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। बड़ी सारी की चौकी मिल जाती है, शाम को बैठ के अपना हवा पानी का आनंद दोस्तों यहाँ पर ले सकते हैं। चाहते हैं यहाँ पर बैठना तो यहाँ पर आप अच्छी खासी हवा आनंद इन्जॉय, जैसे कि बोलते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। बड़ी चौकी मिल जाती है, जिससे कि आपका कस्टमर आएगा तो ऊपर चढ़ के आपकी शॉप से इजीली सामान लेना पाए, जो है लेना चाहता है तो ले पाएगा। इस साइड में देख लेते तो हमारा काफ़ी बड़े साइड का आपको रोड मिल जाता है, 20 फीट का रोड दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। सामने आपकी कमर्शियल रोड रहने वाली है, यहाँ से आपका जो है ऑटो, ई रिक्शाज वगैरह, वो सारी फैसिलिटीज दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब बात देते हैं अंदर से इंडिपेंडेंट हाउस दिखाते हैं दोस्तों, पार्किंग में चलते हैं, पार्किंग से आपको इसका व्यू दिखा देते हैं। सो दोस्तों, आ चुके हैं अपनी पार्किंग के अंदर, ये हमारा पार्किंग का रहने वाला है। हैचबैक गाड़ी के लिए पार्किंग आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों, साइज काफी अच्छा रहने वाला है। हैचबैक गाड़ी अपनी जो है इजीली पार्क कर सकते हैं। साइडों में आप देखेंगे तो 5 फीट की हाइट तक आपको जो हाईलाइट टाइल्स के साथ टाइल का कॉम्बिनेशन दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोनों साइड में पूरा जो है प्रॉपर टाइल वर्क हमने जो है पूरी साइड में करवा कर आपको दिया, स्टेयर से लेकर पूरा आपका पार्किंग तक पूरा टाइल वर्क रहने वाला है। फॉल सीलिंग पे एक बार नजर लगवाइए तो फॉल सीलिंग देखिए, गुड लुकिंग फॉल सीलिंग आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाती है। LED और कॉपलाइट का वर्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फॉल सीलिंग आपकी काफी जो है अच्छी सुंदर साइज की आपकी दोस्तों यहाँ पर बनाकर तैयार की गई है। इस साइड में आपको स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर एक दरवाजा आने वाला है जिसमें आपको शॉप का स्पेस मिल जाता है। इस साइड में एक बार नजर लगाइए तो ये आपकी शॉप रहने वाली है, यहाँ पर एक बार लेके आते हैं तो ये शॉप आपकी रहने वाली है दोस्तों। देखिए नीचे फ्लोरिंग पर अगर नजर लगाइए तो नीचे फ्लोरिंग पर आपको हाईलाइट विट्रीफाइड टाइल का दोस्तों वर्क मिल जाता है यहाँ पर। अभी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गंदा है, क्लीन होना बाकी है, तो यहाँ पर 5 से 10 दिन में ये जो हाउस बिल्कुल बना के जो है रेडी कर देंगे आपके लिए दोस्तों। उससे पहले क्या हो कि आप जो है अपना कुछ भी अमाउंट देकर अगर बुक करना चाहते हैं तो बुकिंग में अपना ये हाउस इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों ऐसा चाहते हैं तो जल्द से जल्द ले सकते हैं दोस्तों। ये आपकी शॉप हो जाती है, शॉप के अंदर भी आपको फॉल सेलिंग का वर्क मिलता है दोस्तों, जिसमें आपको LED और कॉपलाइट का वर्क दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और साइड में एक बार नजर आए तो साइडों में यहाँ पर भी आपको इस पोर्शन में भी टाइल का वर्क दोस्तों देखने को मिल जाता है। ये हो जाती है हमारी शॉप, शॉप से आप चलते हैं हम आगे की तरफ और आगे का पोर्शन एक बार लेके आइए कैमरा तो आगे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों
इस साइड में नजर लगाई तो यहाँ पर आपका एक बेडरूम रहने वाला है जिसकी वेंटिलेशन आपकी इस विंडो के थ्रू पास होने वाली है या आपके शॉप के साथ कनेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ से आते हैं तो इसका जो मेन डोर रहेगा वो आपकी स्टेयर से पहले इस पोर्शन में रहेगा। तो नजर लगवाइए तो दरवाजा देखिए आपका काफी बड़े साइज का आपको जो है ये वुडन का डोर आपको मिल जाएगा जो कि बहुत सारी माइका वर्क के साथ रहने वाला है जिसमें आपको लेमिनेशन मिलने वाली है बाहर की साइड में और ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो इस पोर्शन में दी गई है। दोस्तों अब आते हैं अंदर तो अंदर देखिए जो आपको शॉप के अंदर जो टाइल वर्क हमने दिखाया है वो नीचे आपको हाई ग्लोसी टाइल्स यहाँ पर भी लगाकर दोस्तों दे रहे हैं। पूरा आपको जो है विट्रीफाइड टाइल का वर्क मिलेगा दोस्तों। ये आपका एक लिविंग एरिया रहने वाला है, लिविंग एरिया प्लस आपका बेडरूम आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर मिल जाता है। नीचे कार पार्किंग भी आपको मिल जाती है, आपको शॉप भी मिल जाती है, लिविंग एरिया भी मिल जाता है दोस्तों, बाथरूम भी आपको मिल जाता है और आपका रूम भी मिल जाता है दोस्तों। टीवी पैनल आपको काफी बड़े साइज का दोस्तों यहाँ पर लगाकर दे रहे हैं जिससे कि नीचे के रूम में भी आप जो है अपना टीवी एंजॉय कर सकें, एलईडी टीवी ऐसे लगाना चाहते हैं। फोकस लैंप लगाए जाएंगे जिससे कि आपका ये एरिया देखने में और भी खूबसूरत हो जाएगा दोस्तों। इस पोर्शन में हमने जो ऑप्शन दिए फोकस लैंप लगाए गए हैं। अब दिखाते हैं आपको यहाँ पर दोस्तों हमारी फॉल सीलिंग। तो लिविंग एरिया में भी आपको दोस्तों एक बार नजर लगाइए ऊपर तो फॉल सीलिंग यहाँ पर भी आपको दोस्तों देखने को मिल जाती है जिसमें आपको एक यूनिक स्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी बड़े साइज की एलईडी मिलेगी व्हाइट कलर में और कोवलाइट का वर्क दोस्तों मिलेगा। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों, आप पूरा हाउस टूर कीजिए, जल्द से जल्द हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए ये रूम आपको काफी बड़े साइज का, देखिए कितने बड़े साइज का ये भी रूम मिल जाता है दोस्तों। वॉलपेपर आप अपनी मर्जी से चाहे तो लगवा सकते हैं, वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। अपनी मर्जी का वॉलपेपर चूज करके जैसा चाहते हैं वैसा लगा सकते हैं। स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको मिल जाएगा, पूरी अंडरग्राउंड फिटिंग हमने दोस्तों इसमें करवा दी है। स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपको मिल जाएगा दोस्तों। वेंटिलेशन के लिए इस पोर्शन में एक बार नजर लगाइए तो यहाँ पर आपको शाफ्ट का प्रोविजन मिल जाता है, यहाँ से प्रॉपर आपकी वेंटिलेशन पास होती रहेगी तो यहाँ से वेंटिलेशन की प्रॉब्लम दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगी। और इस साइड में जहाँ पर आपकी एंट्री होनी है, एंट्री होने के बाद आपको जो है काफी बड़े साइज का टीवी पैनल यहाँ पर मिल जाता है, सेम टीवी पैनल रहने वाला है। शेल्फ्स बनाए गए इसमें छोटे छोटे एंटीक आइटम सजा सकते हैं और यहाँ पर दो फोकस लैंप का वर्क दोस्तों आपको इस पोर्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी जिससे कि आपका ये पोर्शन है और भी खूबसूरत लगने लगेगा। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की, देखिए एक यूनिक स्टाइल में यहाँ पर भी फॉल सीलिंग तैयार करके आपको जो तो देखने को मिल जाएगी दोस्तों। बेहद खूबसूरत कोशिश की है कि इस हाउस को जो है बनाए एक विला टाइप में, तो यहाँ पर भी आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है जिसमें आपको एलईडी और कोवलाइट का वर्क मिलता है। अब दिखाता हूँ आपको ऊपर का पोर्शन दोस्तों, थोड़ी सी वीडियोज और लंबी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि ऊपर का पोर्शन है, दो मंजिल का मकान जो है बनाने में और दिखाने में काफी टाइम लग जाता है। सॉरी उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर बाथरूम आपका अटैच रहने वाला है तो इस पोर्शन में आपको जो है बड़े साइज का एक बाथरूम भी मिल जाता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया जो कि शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहने वाला है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दी जाती है, इस पोर्शन में आपका एग्जॉस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। टाइलिंग आपकी एंड टू एंड रहने वाली है, सेंटर में इसमें आपको हाईलाइट टाइल्स का वर्क मिल जाता है और सैनिटरी फीचर सारे टैप टूटी शावर्स वगैरह गीजर की फिटिंग वगैरह वो सारी आपको फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। ब्रांडेड कंपनी के सारे सैनिटरी फीचर्स दोस्तों आपको यहाँ पर लगा कर देंगे। बड़े साइज का आपका 65 गज का जड़ से मकान आप देखेंगे ना दोस्तों, क्योंकि इसका नक्शा काफी खूबसूरत निकाला गया है। तो दोस्तों इंडिपेंडेंट हाउस है, जड़ से है, जैसे मर्जी आप रह सकते हैं, फुल इंडिपेंडेंट एरिया आपको दोस्तों देखने को मिलेगा और अंडर बजट भी प्रॉपर्टी रहने वाली है दोस्तों। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि लोन पर भी आप चाहते हैं तो लोन पर भी ले सकते हैं। अब यहां से आते हैं बाहर की साइड में तो इस पोर्शन में पार्किंग के सामने आपकी स्टेयर रहने वाली है। ये देखिए पार्किंग में आपको जो है 3.5 फीट चौड़ी स्टेयर मिल जाती है और स्टेयर के अंदर आपको जो है टाइल्स इस पोर्शन में व्हाइट टाइल्स का वर्क मिलता है और ऊपर की साइड में जहां आपके फुट स्टेप आने वाले हैं तो यहां पर आपको ग्रेनाइट का डबल स्लैब आपको यहां पर दोस्तों देखने को मिल जाता है। ग्रेनाइट का पत्थर आपको दोस्तों यहां पर लगा मिल जाता है, काफी मजबूती रहने वाली है और साइडों में भी आपको जो है हाईलाइट टाइल्स के साथ क्रीम कलर की शेड में टाइल वर्क दोस्तों यहां पर भी देखने को मिलेगा। और इस एरिया में एक बार नजर लगवाते हैं तो एक बार नजर लगवाइए तो यहां पर आपके जो है पानी के जो सारे जो कनेक्शन होंगे, जो मोटर सेंक्शन होगा वो आपका इस पोर्शन में आ जाएगा। यहां सारे आपकी जो अंडरग्राउंड सारी फिटिंग कर दी गई है तो यहां पर आपका जो है दिल्ली जल बोर्ड का जो वाटर होगा वो सारा आपका जो है इस पोर्शन में सारा वाटर सेंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहां से चलते हैं ऊपर और ऊपर का पोर्शन एक बार आपको नजर लगवा देते हैं। तो दोस्तों अब स्टेयर से ऊपर चढ़ते हुए आते हैं तो एक पोर्शन आपको बता दूं कि आपका जो ऊपर का पोर्शन रहने वो बहुत सेपरेट रहने वाला है। स्टेयर आपकी जो है बाहर की बाहर से ही आपकी रूफ के ऊपर चली जाएगी दोस्तों और इस पोर्शन को जो है पूरा सेपरेट एरिया मिल जाता है जिससे कि आपका ऊपर का पोर्शन भी प्रॉपर इंडिपेंडेंट रहने वाला है। एंट्री करते ही सबसे पहले आपको यहां पर एक लिविंग एरिया मिल जाता है काफी बड़े साइज का और नीचे की साइड में आपको जो है टाइल वर्क देखेंगे दोस्तों। देखिए क्या खूबसूरत ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन में हाई ग्लोसी टाइल का वर्क दोस्तों आपको आपके लिविंग एरिया के अंदर दोस्तों देखने को मिल जाता है। इस पोर्शन में नजर लगाइए तो बड़े साइज का आपको जो है यहाँ पर टीवी पैनल लगाकर दे रहे हैं, जो आपकी प्रॉपर वॉल है उसको हमने प्रॉपर ही यूज कर लिया है दोस्तों। पूरी वॉल के ऊपर आपको टीवी पैनल वर्क दिया है। इस साइड में आप जो है अपना कोई एंटीक आइटम एक बार सजाना चाहते हैं तो एक बार नजर इस साइड लेके आए, एक बार कैमरा इस साइड नजर लगाइए, यहां पर अगर कोई चीज आप सजाना चाहते हैं तो इस पोर्शन में अपनी जो है सजावट कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर आपको फोकस लैंप का वर्क मिलेगा, छोटे छोटे एंटीक आइटम आप अपना यहां सजा सकते हैं दोस्तों। और नीचे की साइड में डबल शटर आपको यहां पर मिल जाएंगे जिसमें आप अपना सामान रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहां पर छोटे छोटे शेल्फ्स मिल जाते हैं दोस्तों। एक बार सामने से नजर लगवाइए तो इस साइड में आपका बड़े साइज का टीवी पैनल आ जाता है जिसमें यहां पर भी फोकस लैंप आपको वर्क मिल जाएगा दोस्तों। चीजें यहां भी सजा सकते हैं और यहां पर भी काफी शेल्फ्स मिल जाते हैं। देखिए कितना स्पेस आपका टीवी पैनल के अंदर रहने वाला है। तो यहां पर छोटी छोटी एंटीक आइटम आप सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं और इस साइड में भी डबल शटर आपको यहां पर मिल जाता है। यहां पर भी आप अपना सामान कोई रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको दोस्तों यहां पर मिल जाएगा। और इसके अपोजिट में हम लोग देख लेते हैं तो डिजाइनर वॉल आपको यहां पर मिल जाती है। देखिए नजर लगाइए पूरी वॉल के ऊपर, देखिए
डिजाइनर वॉल दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। पूरा हाउस दिखा रहा हूँ दोस्तों, खूबसूरत बनाने की कोशिश की है कि आपको एक अच्छा इंडिपेंडेंट हाउस आपके बजट के अंदर मिल जाए। 65 गज में बना हुआ दोस्तों इंडिपेंडेंट हाउस रहने वाला है आपका, जो ऑन पेपर 65 गज है बट इसका ऊपर का एरिया मिला के दोस्तों काफी जगह आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं अपनी किचन की तरफ, तो या इससे बड़े नजर लगवाइए एक बार, तो किचन एक बार सामने से नजर लगवाइए, तो किचन दिखाते हैं आपको स्टार्टिंग से। जो किचन आपकी रहने वाली है एंट्री पे ही आपको जो है यहाँ पर पोर्शन में देखेंगे, तो यहाँ पर डिजाइनर वॉल हमने जो है यहाँ पर वुडन स्टाइल में तैयार करवाई है, जिसमें आपको ड्रॉर का वर्क मिल जाता है, यहाँ पर अपना सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नीचे छोटे छोटे शेल्स बनाए गए हैं दोस्तों, और ऊपर की साइड में भी शेल्स मिल जाता है, कोई चीज डेकोरेट करना चाहते हैं यहाँ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी किचन की जो एंट्री होगी ना वो बेहद खूबसूरत रहने वाली है। अंदर आते हैं तो दोस्तों किचन काफी अच्छा स्पेस रहेगा, क्योंकि 3 लेडीज खड़े होकर यहाँ पर अपने किचन में अपने घर का खाना बना सकते हैं इजिली। फ्रिज की बात करें तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट आ जाता है कि फ्रिज आपका इस पोर्शन में अलग से सेपरेट एरिया बना दिया गया, जिस पोर्शन में जहां पर आप देख रहे हैं कि ये दो बकेट पड़े हैं, तो यहां पर आप अपना फ्रिज भी लगा सकते हैं। उसके लिए पावर स्विच यहां पर दिया गया है। व्हाइट मार्बल आपको दोस्तों यहां पर स्लैब मिल जाता है, इस किचन में व्हाइट मार्बल का स्लैब आपको दोस्तों यहां पर मिल जाता है। सेंटर में आप देखेंगे तो हाईलाइट टाइल्स का यूज किया गया है, जिससे कि आपकी किचन और भी खूबसूरत हो जाए, तो दोनों साइड आपको सेम हाईलाइट टाइल्स का वर्क मिल जाता है। दोस्तों सामने एक बार नजर लगाते हैं इस पोर्शन में, थोड़ा सा आगे लेके आइए कैमरा, तो आपको यहां पर साउंडलेस आपको सिंक का जो है काम मिल जाता है। यहां पर इस साइड में आपको सैनिटरी फीचर जो है ब्रांडेड कंपनी के दोस्तों लगा कर देंगे। दोस्तों ऊपर की साइड में सारे जो आपके पल्ले लग रहे हैं यहाँ पर, जिसमें बॉक्स लग रहे हैं, तो फुली मॉडुलर किचन रहने वाला है। चिमनी आपको दोस्तों यहाँ पर लगा कर दी जाएगी, और नीचे सारे ड्रॉर्स जो हमने यहाँ पर दिए हैं एक बार नीचे लगवाइए, तो सारा काम अंदर देखेंगे, सारा स्टील वर्क आपको मिलने वाला है दोस्तों। यहाँ पर पूरा जो है काफी अच्छा आपको सुंदर मॉडर्न एक जो है हाउस दे रहे हैं, और आपका जो किचन है वो भी फुली मॉडर्न दे रहे हैं, जिससे कि आपके जो है घर का जो एक लुक विला जैसा आए दोस्तों। आपको घर में रहने के बाद एक अच्छा फील होगा कि आप एक विला में रह रहे हैं, 65 गज का विला, और ऊपर की साइड में बढ़ने के बाद जो है इसमें 10 से 15 गज जगह एक्स्ट्रा बढ़ी जाती है, तो यहाँ पर कम से कम आपको जो है 75 गज की जगह तो दोस्तों मिली जाती है। ऊपर की पोर्शन में एक बार नजर आई तो प्रोफाइल लाइट के साथ दोस्तों एलईडी और कोव लाइट के वर्क के साथ आपको जो है यहाँ पर एलिवेशन में फ्रंट की जो है आपकी जो ऊपर की साइड में जो है फॉल सीलिंग में आपको जो है इसकी लुक मिलेगी, जिसमें सेंटर में आप देख रहे हैं हमने अभी प्रोफाइल लाइट लगाई नहीं बट लाइन खींची गई है, तो यहाँ पर प्रोफाइल लाइट का वर्क मिलेगा आपको, बड़े साइज की एलईडी वर्क मिल जाएगा, और साइडों में आपको जो है कोव लाइट का वर्क दोस्तों देखने को मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, इस साइड में आपका जो फ्रंट का बेडरूम जो रहने वाला है वो बालकनी के साथ रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आपका सेम आपको देखेंगे तो वही बाथरूम आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। एक बार अंदर ले गया ये कैमरा, तो बड़े साइज का बाथरूम आपको मिल जाता है। एंड टू एंड टाइलिंग वर्क देखिए, एंड टू एंड टाइलिंग वर्क आपको मिलता है सेंटर में, इसमें हाईलाइट टाइल्स का यूज किया गया है दोस्तों। फॉल सीलिंग का डिजाइन आपको यहाँ पर भी बाथरूम मिल जाता है। सैनिटरी फीचर सारे ब्रांडेड कंपनी है दोस्तों आपको लगा देंगे। टैप टूटी शावर गीजर फिटिंग, वेंटिलेशन के लिए आपको शाफ्ट का प्रोविजन मिल जाता है। एग्जॉस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, एग्जॉस्ट यहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों, इंग्लिश या फिर इंडियन पोर्ट जैसे आप चाहते हैं तो वैसे लगा सकते हैं। बड़े साइज का आपको बाथरूम यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात आती है तो यहाँ पर आपको मैं आपका एक रूम दिखा देता हूँ, तो इस पोर्शन में आएंगे तो यहाँ पर इस रूम को देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम वही आपको टाइल वर्क मिलेगा, हाई ग्लोसी विट्रीफाइड टाइल का वर्क दोस्तों देखने को मिलेगा। इस साइड में आप अपना वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं तो वो अपनी मर्जी से लगवा पाएंगे दोस्तों। ऊपर फॉल सीलिंग पे नजर लगवाइए तो फॉल सीलिंग देखिए, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग आपको जो है बहुत सुंदर देखने को मिलेगी, जिसमें एलईडी और कोवलाइट का वर्क मिलेगा। कोवलाइट अभी दोस्तों इस घर में लगना बाकी है, एलईडी आपको बड़े साइज की व्हाइट कलर में दोस्तों देखने को मिल जाएगी। इस साइड में आ जाता है आपका बड़े साइज का टीवी पैनल दोस्तों, एवरी रूम आपको जो है टीवी पैनल यहाँ पर लगा कर दे रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए बड़े साइज का टीवी पैनल आपको यहाँ पर भी मिल जाता है इस साइड में, तो यहाँ पर भी फोकस लैंप आ जाएंगे। स्प्लिट एसी का प्रोविजन आपका इस पोर्शन में भी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। अलमीरा वर्क हमने यहाँ पर दिया, तो इस पोर्शन में आपको जो है अलमीरा का वर्क दोस्तों देखिए, अलमीरा का वर्क आपको इस पोर्शन में देखने को मिल जाएगा। और ऊपर की साइड में भी दो शटर रहने वाले हैं, क्योंकि बैक साइड में इसमें आपको शाफ्ट का प्रोविजन मिल जाता है, तो ये एरिया जो है शाफ्ट की जगह आपका अलमीरा के साथ यूज हो जाता है। अब बात आ जाती है दोस्तों फ्रंट के बेडरूम की, तो आपको यहां से लेकर चलते हैं फ्रंट के बेडरूम पे, और फ्रंट का पोर्शन आपको दोस्तों दिखा देते हैं। तो यहां से अब हमारी हो जाती है हमारे फ्रंट साइड पे जो हमारा बेडरूम रहने वाला बालकनी के साथ। दोस्तों मैंने आपको बताया कि विला रहने वाला, देखिए विला के लुक, क्योंकि सामने का पोर्शन पूरा आपका जो है वेंटिलेटेड रहने वाला है, बड़े साइज की विंडो मिल जाती है, यहाँ ग्लास लगने के बाद ना पूरा आपको एक विला की आपको जो लुक दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर आके लाइव देखेंगे ना दोस्तों 100% गारंटी है कि ये प्रॉपर्टी आपको दोस्तों बेहद पसंद आने वाली है। एंट्री होती है तो इस साइड में हमने बड़े साइज की अलमीरा का वर्क दिया दोस्तों, जो कि वुडन की रहने वाली है दोस्तों, जिसमें आपको स्लाइडिंग डोर का वर्क मिल जाता है। देखिए स्लाइडिंग डोर का वर्क मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो विला में रहने की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो सके दोस्तों, क्योंकि फ्रंट आपका अच्छा रहने वाला है, तो यहाँ पर अलमीरा का वर्क आपको मिल जाता है। ऊपर शटर मिल जाते हैं डबल इस साइड में, डबल इस साइड में, तो स्पेस की कमी नहीं होने वाली। यहाँ पर अच्छे खासे गारमेंट आप जो है अपना कोई सामान रखना चाहते हैं तो इस पोर्शन के अंदर रहने वाले। लॉकिंग सिस्टम आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब ऊपर नजर लगवा दीजिए तो फॉल सीलिंग आपको इस रूम के अंदर भी दोस्तों देखने को मिल जाती है। देखिए फॉल सीलिंग का डिजाइन यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको एलईडी और कोवलाइट का वर्क मिलेगा। एलईडी यहाँ पर ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, तो कोवलाइट का वर्क दोस्तों अभी होना यहाँ पर बाकी है, जो कि हम यहाँ पर ब्लू येलो जैसे भी आप चाहते हैं तो वैसे लगवा के दे सकते हैं। अगर आपके खरीदने से पहले हम लगवा देते हैं तो वो तो एक कॉमन चीज है दोस्तों। इस साइड में भी आपको टीवी पैनल देखिए मिल जाता है, हर रूम के अंदर आपको टीवी पैनल मिल रहा है दोस्तों, पूरा लग्जरियस काम करवा के दे रहे हैं।
टीवी पैनल का वर्क मिलता है, दोनों साइड में आप देख रहे वायरिंग निकली है, तो यहाँ पर फोकस लैंप आ जाएंगे जिससे कि शाम को इसमें लाइट जलने के बाद इस पोर्शन के अंदर रोशनी रहेगी और ये पोर्शन आपका अलग से चमकने वाला है। नीचे की साइड में दो ड्रॉर्स मिल जाते हैं, सामान रखने की जगह भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बड़े साइज का टीवी पैनल है तो यहाँ पर बड़े से बड़े साइज का आप अपने जो एलईडी टीवी भी लगवा सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ पर बड़े साइज की मिल जाती है, ऊपर आपको जो है विंडो का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर विंडो एसी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, या फिर बड़े साइज का अगर कूलर आप चाहते हैं तो जो फुल साइज आता है कूलर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप ग्लास लगवा सकते हैं। तो ये लोकेशन आपकी जो है एक विला की प्रॉपर लुक देने वाली है दोस्तों। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको जो है हमारा बाथरूम, यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों बालकनी के साथ। पहले हम अपनी देख लेते हैं दोस्तों बालकनी, देखिए बालकनी देखिए दोस्तों क्या आपको जो है 3.5 फीट चौड़ी से दोस्तों, अगर मैं प्रॉपर बात करूं तो वैसे तो 4 फुट चौड़ा इसका साइज रहने वाला है। नीचे की साइड में एक बार नजर लगाइए तो 4 फुट चौड़ा आपका साइज रहने वाला है, बट जहां पर आपका जो है जहां पर आप खड़े रहेंगे वो 3.5 फीट चौड़ाई में आपको दोस्तों देखने को मिलेगी, और आधा फीट आपके जो है ग्रिल के साथ कवरेज यहां पर आपको देखने को मिल जाती है, एसएस की ग्रिल आपको मिल जाती है। और फ्रंट के एलिवेशन पर हम लोग देख ले तो यहां पर भी आपको प्रॉपर एंड टू एंड टाइलिंग वर्क दोस्तों देखने को मिल जाता है। अब बैक साइड में एक बार कैमरा घुमाइए तो यहाँ से नज़र मारते हैं तो इस साइड में आपको एक बाथरूम भी मिल जाता है जो कि आपके फ्रंट के बेडरूम के साथ अटैच रहने वाला है। इस साइड में आपको बाथरूम मिलेगा तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कोई इंग्लिश पॉट इंडियन पॉट चाहते हैं लगवा सकते हैं दोस्तों। एंड टू एंड टाइलिंग वर्क मिल जाता है जिसमें आपको येलो ब्राउन ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दोस्तों देखने को मिलेगा। किचन आपका बाथरूम जो है वो काफ़ी बड़े साइज का रहेगा। यहाँ पर भी जो सैनिटरी फीचर्स होंगे सारे ब्रांडेड कंपनी के दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी। वेंटिलेशन के लिए इस पोर्शन में आपको विंडो मिल जाएगी तो यहाँ पर आपका एग्जॉस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, और ऊपर में आपको जो है इस साइड में जो आपकी फॉल सीलिंग की साइड में जगह रहने वाली है, यहाँ पर फॉल सीलिंग का आपको दोस्तों एलईडी के वर्क आपको दोस्तों इस पोर्शन में देखने को मिल जाएगा। अब लेकर चलते हैं आपको रूफ पर, रूफ का एरिया दिखा देते हैं क्योंकि रूफ आपकी जो है आपकी ही रहने वाली है। ऊपर से आपको लोकेलिटी भी दिखा देते हैं, वहाँ से पता लगेगा कि आपको इस एरिया में रहने का क्या आनंद आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ से स्टेयर से ऊपर आते हैं तो इस पोर्शन में एक बार नज़र लगवा दीजिए ऊपर आकर। तो यहाँ पर आपके ऊपर आने रूफ पे आने से पहले इस पोर्शन को हमने जो सेपरेट रखा है, यहाँ पर आपका जो है कोई भी स्टोरेज आइटम अपना बना सकते हैं इस साइड में रख के, यहाँ पर आप अपना इन्वर्टर लगा सकते हैं, उसके लिए पावर स्विच आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है, और एक आपका यहाँ पर एलईडी बल्ब लगाने का ऑप्शन भी हमने यहाँ पर दे दिया जिसमें होल्डर हम इसको बोलते हैं। साइडों में पूरा रूफ तक आपको साइडों में टाइल वर्क दोस्तों देखने को मिलेगा। एसएस की ग्रिल रेलिंग जिसको बोलते हैं हम स्टेयर में आपको दोस्तों लगा कर देंगे, और ऊपर आ जाते हैं तो ये देखिए आपकी छत, ओहो हो दोस्तों क्या बड़ी छत आपको मिल जाती है। एक बार कैमरा पीछे लेके जाइए, एक बार लास्ट तक लेके जाइए तो स्पेस दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए कैमरे का जो है डिस्टेंस कितना दूर होता जा रहा है, देखिए देखिए कैमरे का डिस्टेंस काफ़ी दूर होता जा रहा है और चौड़ाई भी अच्छी खासी रहने वाली है दोस्तों। देखिए मैं शायद नज़र भी नहीं आ रहा हूँगा आपको, शायद इतना जो है मेरा डिस्टेंस हो जाएगा कैमरे से, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं है कि कैमरा इतना इस टाइम जो है कितनी दूर है दोस्तों। देखिए कितना स्पेस आपको आपकी रूफ़ के ऊपर मिल जाता है। तो दोस्तों अपने घर का छोटा मोटा फंक्शन भी अगर चाहते हैं ना दोस्तों तो वो अपनी रूफ के ऊपर ही कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। पूरी विला का लुक मैंने बताया ना आपको, एक विला का लुक आपको जो है इस 65 गज के इंडिपेंडेंट हाउस में दोस्तों देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी रूफ मिल जाती है, रूफ के ऊपर आपको जो है पानी से कोई प्रॉब्लम ना हो, जी हाँ पानी से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको टाइल वर्क दोस्तों इस पोर्शन में देखने को मिल जाता है, पूरी रूफ के ऊपर हमने जो है टाइल का वर्क दिया जिससे कि पानी की प्रॉब्लम आपको ना हो। ऊपर आपको डबल डबल जो है टैंक यहाँ पर दोस्तों इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं जिससे कि पानी की प्रॉब्लम हो, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 2000 लीटर पानी आप अपना यहाँ पर सेव कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी है दोस्तों, बिजली आपको BSES राजधानी से मिल जाती है दोस्तों, पक्की सड़कें मिल जाती है, 20 फीट की रोड मिल जाती है, कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है, फैसिलिटी सारी मिल जाती है, हॉस्पिटल बैंक KTM जिम स्कूल मार्केट, शाफ्ट भी आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है, शाफ्ट आपके इस पोर्शन में करेक्शन आपका जो है रहने वाला है, स्प्लिट AC की एवरी रूम आपको जो है स्प्लिट AC की प्रोविजन की फिटिंग आपको दोस्तों मिल जाती है। इस साइड में भी आपको जो है टैब का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर भी आप अपना कपड़े वगैरह धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं दोस्तों। इस साइड में भी स्पेस है, फ्रंट की साइड में भी काफ़ी स्पेस है, खुला आसमान है दोस्तों, जमीन आपकी है, छत आपकी है दोस्तों, जैसे चाहे। इंडिपेंडेंट हाउस का यही फायदा होता है, इसलिए हम जो कहते हैं कि आप अपना जो है घर जल्द से जल्द बुक करें, अपना हाशियाना अपने सिर पर छत रखना चाहते हैं तो कम बजट के अंदर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे कंटेंट में दोस्तों हमेशा आपको दिखाते रहूँ दोस्तों, हमेशा ही दिखाता रहूँगा जिसमें आपको इंडिपेंडेंट हाउस महंगे भी मिलेंगे और सस्ते भी मिलेंगे। जैसा आपका बजट है ना दोस्तों वैसे इंडिपेंडेंट हाउस दोस्तों आपको इंडिपेंडेंट नितिन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दोस्तों देखने को मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करें, जी हाँ बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें, अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।